रिग्रेस करते हैं विद द डीवी। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो डाटा हमारे पास मौजूद है ऑलरेडी, इसमें लेट से मैं कहता हूँ कि ये हमारा डीवी है सी एस एवरेज, और ये मेरे पास तीन आईबीज हैं, एस क्यू एवरेज, ट्रस्ट एवरेज एंड पी आर रिस्क एवरेज। ये तीनों आईबीज और एक डीवी, और अब मैंने इसको रिग्रेस करना है, रिग्रेशन करना है। सो बहुत ही सिंपल है, रिग्रेशन में गए लीनियर में, इसको पहले रीसेट किया। हमारे पास जो सी एस एवरेज है वो डीवी है, बाकी तीनों मेरे पास आईवीज हैं। ये तीनों आईवीज आ गए। नाउ बिकॉज वी आर डूइंग मल्टीपल रिग्रेशन, ओके किया, तो मेरे पास ये रिग्रेशन के टेबल आ गए। वो बता रहा है कि भाई ये तीनों वेरिएबल्स मैंने एंटर किए हैं, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरे, ये बाकी तीनों जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये मेरा आर आ गया। अब ये आर समझने की जरूरत है कि ये आर ये कह रहे थे अगर तीनों के तीनों आईवीज जो हैं उन तीनों का विद डीवी क्या कोरिलेशन है, तो इनका कोरिलेशन पॉजिटिव है और कोरिलेशन की वैल्यू 0.554 है। अब आर स्क्वायर हमारे पास क्या है, द वेरियंस इन द डीवी ड्यू टू द आईवीज इज आर स्क्वायर। तो इसको देख के मैं कह सकता हूं कि 30.7% ऑफ द वेरियंस इन द डीवी इज कॉज बाय इज ड्यू टू दी थ्री आईवीज। दोबारा से देखें आर स्क्वायर क्या है, मैंने आपको बुक में भी इसको दिखाया था ये, कि इट इज द परसेंटेज, इट इज द वेरियंस, परसेंटेज वेरियंस इन द डीवी ड्यू टू द आईवी। ये हमारे पास है आर स्क्वायर इंडिकेट्स अमाउंट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल दैट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस केस में आर स्क्वायर 0.92 है, तो ये कह रहा है कि 92% ऑफ द वेरिएंस इन द नंबर ऑफ इन द डीवी इज ड्यू टू द इज एट्रीब्यूटेड टू द आईवी। इस केस में क्या है 0.307, दैट मींस कि 30.7% ऑफ द वेरिएंस इन द डीवी इज एट्रीब्यूटेड टू द थ्री आईवीज। अब हम मॉडल फिट देखते हैं, अपना मॉडल फिट हमारे पास बड़ा क्लियर है कि ये लेस देन 0.05 है, लिहाजा ये मॉडल हमारे पास फिट है टू यूज। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास ये देखिएगा, ये जो तीन हमारे आईवीज हैं जो टी वैल्यू है वो शो कर रही है कि ये तीनों के तीनों आईवीज बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये हमारे पास सिग्निफिकेंट, अच्छा ये जो है हमारे पास कांस्टेंट, ये इनसिग्निफिकेंट है, और ये हमारे पास तीनों जो आईवीज हैं ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है, बिकॉज हमारे जो ये कांस्टेंट है ये इसका डाटा वगैरह कुछ भी कलेक्ट नहीं होता, ये खुद स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू निकालते हैं। सो वी आर नॉट वरीड अबाउट कि ये इनसिग्निफिकेंट है, रादर आई मस्ट से दैट कांस्टेंट शुड बी इनसिग्निफिकेंट। हाउएवर जो हमारे आईवीज हैं ये तीनों के तीनों सिग्निफिकेंट है, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल कि हमारे जो जो हमारे हाइपोथेसिस हैं वो अगर पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे थे तो वो पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो मैंने मिस कर गया पहले बताने से, कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसको हमारा जो आईवी है वो हमारे डीवी को पॉजिटिवली इफेक्ट कर रहा है या नहीं। तो साफ नजर आ रहा है कि हमारे जो बीटा की वैल्यू है ये सारे के सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। ये देखिए ये बीटा जो है ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, लिहाजा ये हमारे पास इसको पॉजिटिवली इफेक्ट कर, अगर ये नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा होता तो यहाँ पे नेगेटिव के साइन होते। अब मैं आपको बताता हूँ कि अब ये जो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी हम इक्वेशन कैसे लिखेंगे, रिग्रेशन की इक्वेशन। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि नेट हमें इस हवाले से क्या कहता है कि हाउ टू राइट मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है, ताकि एक दफा आप लोगों को पता चल जाए कि आप ठीक है, सम टाइम्स इट हैपेंस कि आप भूल भी जाते हो। ये साथ साथ मिसाल से बता रहा हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने अगर ओपन बुक पेपर होगा तो आप लोग ने परेशान नहीं होने, यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प फ्रॉम दी बुक्स दैट आर अवेलेबल इंक्लूडिंग दी वेबसाइट्स। सो लेट्स जस्ट गो इनटू दिस कि हाउ वी कैन राइट। देखिए ये हमारे पास द मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन इज स्पेन अबाउट टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म, वाई इज इक्वल्स टू बीटा वन एक्स वन प्लस बीटा टू एक्स टू अप टू सो वन प्लस दी कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लस दी एरर टर्म्स।
तो अब अगर इसी को चीज को मैं यहाँ पे लिखूं, ये देखिएगा, ये हमारे पास अगर लेट्स से प्रोजेक्ट मैनेजर इमोशनल इंटेलिजेंस है और साथ मेरे पास है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, तो अब इसी क्वेश्चन कैसे लिखी जाएगी कि प्रोजेक्ट सक्सेस इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट प्लस प्लस बीटा वन इंटू PMEI प्लस बीटा टू इंटू स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लस एरर टर्म। मेरे पास ये हमारे पास मल्टीपल रिग्रेशन की हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। और अब अगर मैं इस इक्वेशन को जो कि मैंने पहले लिखी है, सॉरी जो ये जो इक्वेशन अभी ये जो टेबल है इसको मैं कॉपी करके वहां ले जाता हूँ ताकि मेरे पास ये इक्वेशन लिखने में आसानी हो। ये मेरे पास टेबल आ गया कोफिशिएंट्स का, तो मैं आप लिखूंगा कि लेट्स से डीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास ये आ रही है, देखिए कांस्टेंट लिखा हुआ, ये कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है इज इक्वल्स टू, लेट्स मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, 0.484 प्लस पॉइंट दिस। अब ये क्या है एस क्यू प्लस 0.339 इंटू ट्रस्ट प्लस 0.057 इंटू रिस्क प्लस एरर। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। ये जब भी मेरे पास मल्टीपल रिग्रेशन होगी तो मेरे पास जितने भी आईवीज होंगे उन सब की मैंने यहाँ से वैल्यूज उठा के यहाँ पे पिक करके यहाँ पे डाल देनी है तो मेरे पास बन जाएगी। अब देखिए ये क्या शो कर रहा है, अब ये देखिए वो कह रहा है कि अगर इफ वन यूनिट इंक्रीज इन एस क्यू, लिख के बताता हूँ आपको, वन यूनिट इंक्रीज इन एस क्यू विल लीड टू, ओके विल इंक्रीज 0.238 units increase in the DB or 0.1 unit increase in trust will increase 0.339 units increase in DB and 1 unit increase in risk will increase 0.057 increase in DB. तो ये हमारी मल्टीपल रिग्रेशन का पॉइंट यहाँ पे इस तरह हल हो जाएगा जी। अब पूछने कोई सवाल है आप लोगों का अबाउट मल्टीपल रिग्रेशन तो मुझे पूछें ताकि मैं उसको आपको बताऊं कि ये कैसे, ये कोई भी सवाल उसको कैसे हम लोग हल कर सकते हैं, क्या मसले को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जी आई एम वेटिंग फॉर दी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड। जी अली अली मेहदी, अमारा जफर, आमिर असलान, आज़ाद, बिलाल, इस्मा, जलाल, जमहूर, जुनेद, मारिया नाज, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद कैसर, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद वक्कार, मुनीर, नईम, नकाश, नवीद, कुदसिया जरलिश, राजा अहमद, राजा मोहम्मद, उमर, साकिब बहादुर, शाहिद वक्कार, शराज, सैयद हादी, सैयद मोहम्मद हादी, तलहा, वक्कार, वसीम, यासिर, यूसरा शहजादी। जी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछें। सर ये टू वैल्यूज हैं इसमें, एक है अनस्टैंडर्डाइज्ड और दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड, दूसरी वैल्यू कुछ सिग्निफिकेंट है, कुछ है हमारे यूज के लिए या? जी बिल्कुल यूज के लिए है। देखिए स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज हैं और अनस्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज हैं, ये यूज कहाँ पे होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिये मिसाल के तौर पर आपके, मैं आपको एक रेलिवेंट एक एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपका जो डीवी है उसकी यूनिट्स are different from the units of IVs and IVs units are also different. Vacation kar lete hain, IV units are different from each other. Iska matlab kya hai? Iska matlab ye hai ki for example aapke jo IVs hain उनकी यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल एक किलोमीटर में है और एक एक लेट्स से मीटर्स में है, एक अगर वेट है, एक वेट है
एक लेंथ है, एक हाइट है, एक मास है। अब इन सब की जो जो वेरिए जो हमारे पास यूनिट्स हैं वो डिफरेंट है। उस केस में हम लोग इसको कोशिश करते हैं कि हम इसको परसेंटेज चेंज लें। तो स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज कोफिशिएंट्स का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने एक वेरिएबल स्टैंडर्डाइज उस वक्त बनता है व्हेन जब हम वैल्यूज माइनस मीन कर दें, वो स्टैंडर्डाइज बन जाता है। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जब हम वैल्यूज को जब भी हमने लेट से एक हमारे पास वेरिएबल है प्रोजेक्ट मैनेजर इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका एक मीन आया होगा, जब हम उसकी सारी की सारी वैल्यूज को उसके मीन से माइनस कर देते हैं, वो हमारे पास स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज बन जाते हैं। जब हमारे पास यूनिट्स डिफरेंट होते हैं तो हम स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यूज लेते हैं, यानी कि ये वाली वैल्यूज लेंगे और उसके बाद हम इन वैल्यूज को लेकर चलेंगे। तो अब ये क्या कहता है? ये शो करता है, मैं आपको इसको लेट्स में ये शो करता है कि वन यूनिट इंक्रीज इन दिस विल कॉज 21% इंक्रीज, सॉरी 1% इंक्रीज इन दिस विल कॉज दिस मच परसेंट इंक्रीज इन योर डीवी। 1% increase in this will cause this much percent increase in your DV. तो उसकी interpretation इस तरह बन जाती है। तो to अगर मैं इसको short answer करूँ तो ये तब इस्तेमाल होगा जब हमारे पास जो units हैं वो different होंगी, standardize ऐसे किया गया होगा और फिर हमने analysis, तो ये हम लोगों ने ये values कैसे आई है ये करने के बाद हम लोगों ने जब ये आंसर निकाला तो ये वैल्यू का। आप अगर आपके पास यूनिट सेम भी हैं तब भी आप ये यूज कर सकते हैं। अगर सेम, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं तब भी ठीक है, ये यूज करना चाहते हैं तब भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ उसके इंटरप्रिटेशन में क्या हो जाएगा, वन यूनिट इंक्रीज इन दिस विल कॉज दिस मच यूनिट इंक्रीज इन दैट डीवी, 1% इंक्रीज इन दिस विल कॉज दिस मच परसेंट इंक्रीज इन योर डीवी, ये उसके इंटरप्रिटेशन वैल्यूज में डिफर कर जाएगा। ये कोई और सवाल है तो पूछे। सॉरी ओके, अब अगर आप लोगों को ये चीज समझ आ गई है तो आज हम मॉडरेशन भी कर लेते हैं। मीडिएशन हम लोगों ने कर लिया, सॉरी मीडिएशन कह रहा हूँ, सिंपल रिग्रेशन मल्टीपल रिग्रेशन हम लोगों ने कर लिया, उसको लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, डिफरेंट हमारे पास एपीएफ फॉर्मेट के थीसिस अवेलेबल हैं जिसमें से आप जाके यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट दैट हाउ यू कैन राइट योर। अब हम जाने लगे हैं मॉडरेशन के ऊपर कि मॉडरेशन कैसे होती है। अब लेट्स से आपके पास ये 1, 2, 3, 4 वेरिएबल, इनमें से मैं आपको कह देता हूं कि ये हमारा आईवी है, ये हमारा डीवी है और एंड लेट्स से ये मॉडरेटर है। दोबारा सुने कि लेट्स से कि ये मेरा आईवी है, ये डीवी है और ये मॉडरेटर है। अब मॉडरेशन एनालिसिस कैसे होगा? आईवी डीवी मॉडरेटर, सबसे पहले मैंने, अगर मैं बैरियन कैनी इस्तेमाल कर रहा हूं तो सबसे पहले मैंने इसको अपने आईवी को और अपने मॉडरेटर को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म बनेगी, जो चीज आएगी, उसको हम कहते हैं इंटरैक्शन टर्म। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे करो? सिंपल, आई विल गो टू ट्रांसफॉर्म कंप्यूट, चीजें पहले की पड़ी हुई है, रीसेट। तो मैं यहां पर लिख देता हूं इंटरैक्शन टर्म, तो ये आईवी है मल्टीप्लाई बाय मॉडरेटर, ओके वो कह रहा जी मैंने कर दिया है, लेट्स गो एंड सी
ये देखिए मेरी इंटरेक्शन टर्म बन गई है, इन दोनों को मल्टी इन इन इसको मल्टीप्लाइड बाय बाय दिस, मेरे पास ये इंटरेक्शन टर्म बन गई। अब जब इंटरेक्शन टर्म मेरे पास बन गई है तो अब मैंने मैथमेटिक्स को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा एनालाइज, यानी कोई सवाल आ गया मेरे ख्याल में। अच्छा, सो एनालाइज, एनालाइज में जाने के बाद रिग्रेशन और लीनियर, ये पहले की चीजें पढ़ी हुई, उसको मैंने रीसेट किया। सबसे पहले मैं डिपेंडेंट वेरिएबल भेजूंगा, वो मेरे पास ये है डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैंने ये भी भेजना है और मॉडरेटर भी भेजना है। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट में मैंने इंटरेक्शन, नेक्स्ट ये देखें, नेक्स्ट यहां से दबाया और नेक्स्ट में मैंने इंटरेक्शन टर्म भेजनी, और स्टैटिस्टिक्स में आके ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आर स्क्वेयर्ड चेंज, इसको जरूर चेक मार्क करना है। ओके किया, ओके किया। अब मेरे पास ये चीज आ गई, ये देखें यहां से डाटा एंटर हुआ। अब देखें वो यहां पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि देर आर टू मॉडल्स, मॉडल वन मॉडल टू। मॉडल वन में ये हमारे आईवीज हैं, ट्रस्ट एवरेज और एसक्यू एवरेज, और मॉडल टू में हमारे पास ये इंटरेक्शन टर्म। अच्छा, मॉडल टू में क्या क्या है वो अच्छा मॉडल वन में ये दो हैं और मॉडल टू में इंटरेक्शन टर्म भी है और पहले वाले दो भी शामिल है, मैं आपका भी एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये देखें ये आर आ गया मॉडल वन, जिसके अंदर सिर्फ ट्रस्ट और एसक्यू थे, उसमें आर ये है, आर स्क्वायर ये है, एफ की वैल्यू ये आ गई हमारे पास। मॉडल टू में जो प्रिडिक्टर्स हैं वो ट्रस्ट एवरेज भी है, ये भी है और इंटरेक्शन टर्म भी है, और उसमें जो आर है वो 0.526 है, आर स्क्वायर 0.277 है। आप ये नोट कर रहे होंगे कि यार अगर हम इंटरेक्शन टर्म डाल भी लें तो कोई खास कोरिलेशन में फर्क नहीं पड़ा, और इवन के आर स्क्वायर यानी कि द वेरिएंस इन द डीवी जो कॉज हो रही है वो कोई इतना डिफरेंस नहीं है। आर स्क्वायर चेंज है 0.276 से 0.277, आर स्क्वायर चेंज सिर्फ 0.001 का है। बहरहाल अभी हम आगे चलते हैं, एंड वो में हम देखते हैं कि एफ स्टैटिस्टिक्स दोनों सिग्निफिकेंट है, यानी कि मॉडल ठीक है। यहाँ पे आते हैं मॉडल वन में जहाँ पे दो आईवीज थे, सर इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो कम होगी ऊपर, सर सिग्निफिकेंस इसकी बात कम होगी 0.5 से ऊपर ज्यादा। जी सर, आप इसकी बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं? सर मैं 0.627 की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ये सिग्निफिकेंट एफ चेंज है, ठीक है। ये देखें अब हुआ ये है ना कि मैंने क्या किया था, लीनियर रिग्रेशन में गया था और यहाँ पे इसको ये जो आर स्क्वायर चेंज है ना, जब मैं इसको चेक मार्क करता हूं ना तो मुझे ये सारे चेंज स्टैटिस्टिक्स दे देता है। इसके बगैर अगर वो उसको टिक नहीं करूंगा, लेट से मैं नहीं करता टिक, ये देखें उसने कुछ भी ऐसा नहीं दिया, यहां तक दे दिया, चेंज नहीं दिया। सो चेंज उसकी वजह से यार। अच्छा, अब जो आप इसकी बात कर रहे हो कि ठीक है, इसको और अभी हम थोड़ी देर बाद बात करते हैं। सिग्निफिकेंट एफ चेंज जो कि हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आ चुका है, अनुवा में हम देख रहे हैं कि एफ स्टैटिस्टिक्स यानी कि मॉडल फिटनेस वो शो कर रहा है और दोनों कह रहे हैं दोनों मॉडल ठीक है। अब यहां पर देखें मॉडल वन में ये कोफिशिएंट्स आ गए हमारे पास, बीटाज आ गए हमारे पास, और टी की वैल्यू आप देख रहे हैं कि ये सिग्निफिकेंट है। देखिए जो मॉडल टू है उसमें ये भी इनसिग्निफिकेंट हो गया, 0.05 से ऊपर चला गया, ये 0.05 से नीचे, लेकिन जो हमारी इंटरेक्शन टर्म है वो 0.627 है, यानी कि जो हमारा मॉडरेटर है उसकी जो इंटरेक्शन टर्म हमने डेवलप की है वो इनसिग्निफिकेंट हो रही है, वो 0.05 से, यानी कि इसके अंदर मॉडरेशन नहीं हो रही,
दिस इस वक्त एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो हमारा मॉडरेशन का हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गए और उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आपको इस बात का पता है कि इवन इफ हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड दैट लीड्स टू अस टू समथिंग न्यू। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारा मॉडरेशन जो है वो रिजेक्ट हो गई है। मैं अब ये कोड ट्राई करते हैं, लेट्स से आई से कि भाई ये तो ट्रस्ट एवरेज बी मॉडरेटर था, लेट्स पिक दिस वन पी आर रिस्क, लेट्स से मैं कहता हूं कि अब ये वाला मॉडरेटर है, लेट्स सी कि हमारे पास डिफरेंट आता है कि नहीं आता, क्या हमारे एक्सेप्ट होता है मॉडरेशन हो रही है कि नहीं हो रही। तो मैं सबसे पहले इंटरेक्शन टर्म बनाऊंगा इसको और अपने मॉडरेटर को और आई वी को मल्टीप्लाई करूंगा। सो आई विल गो टू कंप्यूट, इसको रीसेट किया, इसको मैं नाम दे देता हूं इंटरैक्शन टू। तो अगेन ये आई वी है मल्टीप्लाई बाय ये डी मॉडरेटर। ओके ये देखिए ये बन गया आई एन टी टू। अब मैं गया एनालाइज रिग्रेशन पे लीनियर, सबसे पहले रीसेट करूंगा, रीसेट मैं फर्स्ट से करता हूं ताकि आप लोग दोबारा से प्रोसीजर देख लें। सबसे पहले डीवी ऊपर है तो डीवी को यस किया मैंने, सीएसआई भी मेरा डीवी है, मैंने अपने दोनों अपने आईवी को भी और अब मेरा मॉडरेटर ये इसको डाला, फिर नेक्स्ट किया और ये वाला रेलेवेंट इंडक्शन टर्म डाली, स्टैट्स में गए आर स्क्वायर चेंज को ओके किया, कंटिन्यू किया, ओके किया, लेट्स सी ये सब आपको अब समझ आ गया। ये देखिए आर 0.469.472 आर स्क्वायर चेंज सिर्फ 0.003 और फिर ये हमारे पास इनसिग्निफिकेंट आ रहा है। नीचे आके देखते हैं तो दोबारा वो हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। तो इसने भी हमारा जो ये वाला मॉडरेटर है ये भी काम नहीं कर रहा, मतलब काम का मतलब ये है कि ये भी रिजेक्ट हो रहा है। तो लेट्स ट्राई अनदर वन। और ये अब ये जो मैं अब भी एक्टिविटी करने लगा उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास लेट्स से आई टेक, अब सिर्फ हम ये करते हैं कि हम ये रखते हैं आई वी और ये रखते हैं मॉडरेटर और ये रखते हैं डी वी। ये सिर्फ ये समझाने के लिए है कि अगर आपके पास डेटा, इफ यू आर गोइंग टू अब्यूज डेटा तो कुछ ना कुछ रिजल्ट आ ही जाएगा, बट उस डेटा को जो अब्यूज आप जैसे मैं अभी करने लगा हूँ फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एंड अब्यूज तो हम कर लेंगे डेटा को, यूज नहीं कर रहे अब्यूज कर रहे, तो उस डेटा से रिजल्ट्स तो आ जाएंगे लेकिन अगर वो थेरी से और लिटरेचर से सपोर्टेड नहीं है तो उसका हमें कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम मॉडरेशन करना चाह रहे हैं, कोई पॉजिटिव मॉडरेशन लाना चाह रहे हैं, इस तरह से आई एम जस्ट गोइंग टू डू इट। नाउ दिस इज आर आई वी, this is our dv and this is our moderator. तो interaction term तो इसकी और इसकी बननी है, वो तो पहले की बनी हुई ये वाली, sorry. let's do it. analyze पे गए, regression पे गए, linear पे गए, reset किया, सबसे पहले मेरा dv, तो dv मैंने कहा trust को लेना है, iv ये हो गया, moderator साथ ट्रस्ट हमारा डीबी था और रिस्क हमारा ये था। नेक्स्ट किया इंटरेक्शन टर्म आई और आर स्क्वायर पे किया, ये भी इनसिग्निफिकेंट है, तो इसमें ऐसा आर स्क्वायर चेंज 0.03 है, ये भी देखते हैं और ये भी हमारे पास इनसिग्निफिकेंट है। बहरहाल इस वक्त हमारे पास सारे जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास वैल्यूज हैं मोर और लेस वो सारी की सारी मॉडरेशन के हाइपोथेसिस को रिजेक्ट ही कर रही है। बहरहाल दिस इज हाउ वी गेट द मॉडरेशन। अच्छा एक मेरे पास ये रिजेक्ट ही करेंगे इसी तरह से, प्लीज कम अगेन, क्या कह रहे हैं सर? क्योंकि आपका ये जो डाटा है ये किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान होगा तो इसलिए किसी तरह से भी नहीं आ सकता ये। ओके ये भी एक पॉसिबिलिटी जरूर है कि इस वजह से ये हो रहा हो। बहरहाल एनीवे ये देख लें, ये हमारे पास एक है जिसके अंदर
वो हमारे पास मॉडल वन में ये आ रहा था और मॉडल टू में अच्छा खासा 0.02 का है चेंज। तो ये हमारे पास यहाँ पे मॉडरेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। ये देखिए ये उसकी इंटरप्रिटेशन है। इन दिस एग्जाम्पल मॉडल टू विद द इंटरेक्शन टर्म बिटवीन डिप्रेशन एंड पॉवर्टी लेवल अकाउंटेड फॉर सिग्निफिकेंटली मोर वेरियंस देन जस्ट डिप्रेशन एंड पॉवर्टी लेवल बाय देमसेल्व्स। आर स्क्वायर चेंज इज 0.02, ये वाला 0.02 एट द प्रोबेबिलिटी लेवल सिग्निफिकेंस लेवल 0.003, ये 0.003 indicating that there is a potentially significant moderation between depression and poverty level on child's behavior problems. So, is ye jo aapke paas samne example given hai isme to ye hamare paas moderation ho rahi hai aur is tarah we write about moderation also. Ji aap bologe question hai aap logon ka to puche because we are done with the moderation analysis of this thing. I'm waiting for your question. Ji, do we have a question here? Sir, ये moderation का कौन सी type है और भी कोई use करते हैं इसमें या उनका भी यही तरीका कार है? जी बिल्कुल। अच्छा देखें जी, ये एक important सवाल है। अच्छा देखें जी, moderation और mediation के अंदर जो है ना हमारे पास दो तीन techniques हैं। एक इस वक्त जो मैंने आपको मॉडरेशन पढ़ाई है ये बैरन एंड कैनी 1986 के तरीके से करवाई है। ये आपको मैं लिख के भी बताता हूँ ताकि आप इसको रजिस्टर कर लें। लेट्स से बैरन मीडिएशन मॉडरेशन। बैरन एंड कैनी बहरहाल ये है जी बैरन कैनी के स्पेलिंग। और 1986 में उन्होंने अपना पेपर पढ़ा था। पेपर भी मेरे पास पढ़ा हुआ है। ये पेपर है द मॉडरेटर मीडिएटर वेरिएबल डिस्टिंक्शन इन सोशल साइकोलॉजिकल रिसर्च कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेटेजिक एंड स्टैटिस्टिकल कंसीडरेशन। ये उनका पेपर है एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन, ये देखें, 1986। तो ये लोगों ने पेपर लिखा था और उसके बाद मॉडरेशन मॉडरेटर और मीडिएटर, पहले ये इनका एब्स्ट्रैक्ट आप पढ़ें आप बड़े अम्यूज होंगे पढ़ के। अम्यूज वैसे कह रहा हूँ कि बड़े बड़े रिसर्चर्स कंफ्यूज थे। ये देखिए वो कह रहा है कि फर्स्ट वी सीम टू मेक थियरिस्ट एंड रिसर्चर्स अवेयर ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉट यूजिंग द टर्म्स मॉडरेटर एंड मीडिएटर इंटरचेंजेबली। तो पहले जो हमारे बड़े बड़े रिसर्चर्स और थियरिस्ट थे वो इन दोनों को interchangeably use किया करते हैं। एंड इट्स नॉट टू ओल्ड, ये तकरीबन 34 ईयर ओल्ड पुरानी बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम लोग इतने वो हो गए हैं कि हम लोग समझ आना शुरू हो गया विद द डिफरेंस बिटवीन टू। एनीवे टू कट द थिंग शॉर्ट, ये वो पेपर था जिसमें उन्होंने लिखा मॉडरेशन और मीडिएशन। अच्छा अब हुआ ये कि हम सारी दुनिया जो है ना इनके पेपर के ऊपर फिदा हो गई और इनके मॉडरेशन और मीडिएशन को इनके जो तरीक़ाकार को फॉलो करते रही। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है मॉडरेशन करने का तरीक़ाकार, इंटरेक्शन टर्म बनेगी, मल्टीप्लाई होगी, ये होगा वो होगा, तो ये मॉडरेशन, ये बैरन कैनी का तरीका है। अच्छा फिर जब उन्होंने सवाल पूछा है कि इसमें और भी कोई टेक्निक्स हैं, जी बिल्कुल हैं। इस वक्त जो टेक्निक ज़्यादातर इस्तेमाल हो रही है, ज़्यादातर मतलब ये कि ये 2010-11-12 में आई है और वो है, उसका नाम है प्रीचर एंड हेस। प्रीचर एंड हेस, ये देखो प्रीचर एंड हेस की वेरिएशन भी है, प्रीचर एंड हेस की मॉडरेशन भी है, मॉडरेशन एनालिसिस भी वो है और वो भी। अच्छा क्योंकि वो इस दौर में आए या रिसेंट वक्त में इन्होंने प्रेजेंट किया, तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने हमारा काम आसान करने के लिए पहले मॉडल्स प्रेजेंट किए। तो मैं ये क्योंकि पहले भी ये हाईलाइट हुआ हुआ, मैंने पहले भी डाउन करके रखे हुए, लेकिन फॉर द सेक आप लोगों को बताने के लिए मैं इसको सर्च करता हूँ।
इंट्रोडक्शन टू मीडिएशन मॉडरेशन मॉडल्स जो हैं वो लेट्स आई होप फॉर कि ये मॉडल्स यहाँ पे मुझे मिल जाएं। ये देखिए ये उन्होंने मॉडल्स तैयार करके रखे हैं। पीटर एंड हेज ने इस वक्त जो हम मॉडल की बात कर रहे हैं इसका नंबर है मॉडल नंबर वन। मॉडल वन ये इंपॉर्टेंट है वन आई एक आईवी एक डीवी और एक मॉडरेटर ठीक हो गया। ये मॉडल नंबर टू एक आईवी एक डीवी दो ये मैंने आपको पहले इस सब चीजें शेयर की हुई है लेकिन इस वक्त इसको बताने का मकसद क्या है। अब उन्होंने क्या किया प्रीचर एंड हेज ने ये हेज के स्पेल इन्होंने क्या किया उन्होंने हमारे लिए एक एड ऑन तैयार किया एसपीएसएस में। उस एड ऑन का नाम है प्रोसेस वो भी आपको बता देते हैं प्रोसेस एड ऑन एसपीएसएस। ये तरीकाकार बताया हुआ है कि कैसे डाउनलोड होगा ये प्रोसेस मैक्रो उन्होंने तैयार किया आप डाउनलोड करें मेरे पास एसपीएसएस में ये हुआ हुआ सो आई जस्ट आपको शो कर देते हैं कि आप एनालाइज में जाएंगे इधर कहीं पे होना चाहिए ये पड़ा हुआ है प्रोसेस। अब इसी काम को ना ये जो मैंने अभी आपको मल्टीप्लाई किया ये किया वो किया प्रोसेस में गए अब ये अब सबसे पहले मैंने इसको कहना है कि मॉडल नंबर ये अब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी मॉडल नंबर की। मैं कहता हूँ मेरा मॉडल नंबर वन है मॉडल वन उसके बाद एस क्यू एवरेज वो कह रहा है कि जनाब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है डीवी क्या था मेरा डीवी था सी एस एवरेज ये डीवी हो गया। M stands for moderators. Moderator मेरा let's say trust है। अच्छा ये note कीजिएगा मैंने अभी इस केस में interaction term में सवाल नहीं की आप नोट कर रहे होंगे ये बात कि मैंने इसमें कोई interaction term में सवाल नहीं की और इसको मैं ओके कर दूं तो मुझे ये इस तरह के रिजल्ट इसने मुझे दे दिए हैं ये। अब ये देखिए इसे देखें खुद इंटरेक्शन टर्म यूज की ये कांस्टेंट है ये ट्रस्ट एवरेज है ये एसक्यू एवरेज है ये इंटरेक्शन टर्म है और इसकी भी देखें हमारे पास जो ओवरऑल अगर आप लोग नोट करें ये यहाँ पे आर वैल्यू 0.526 आ रही है और ऊपर हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रही थी जब हमने वो पिक किया था बिल्कुल पहला मॉडल ये देखिए 0.526 आ रही है आर की वैल्यू। इसमें पीचर एंड हेज ने हमारे लिए क्या किया मैक्रो के अंदर करके हमारी वैल्यूज आसान करती हैं और एक और चीज़ जो हमारे साथ उन्होंने किया है वो कि इसकी इंटरप्रिटेशन इस लॉट की जरिए देखिए वो कह रहे हैं इंटरेक्शन टर्म मैंने बनाई है इसको और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और जनाब इंटरेक्शन टर्म में आप देख रहे हैं कि ये भी इनसिग्निफिकेंट ही आ रही है। So, because बहरहाल this is another way that we can use या जो कि उनका सवाल था this is another way that we can use for the for moderation जिसको हम जिस टेक्निक को हम कहते हैं ये फीचर एंड हेज है। अच्छा एक और बात ये द रिजल्ट्स आर सेम बट बैकएंड के ऊपर जो टेक्निक है वो डिफरेंट है। इसका इसको समझाने के लिए इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स आर सेम लेकिन एल्गोरिदम्स डिफरेंट लगे हुए हैं डिफरेंट मेथडोलॉजी यूज की गई है। इस चीज को आपने जहन में रखना है और उसके बाद रिजल्ट्स आए हैं हमारे पास गो के रिजल्ट्स आर सेम बहरहाल बिकॉज मॉडरेशन एज सच आज मेरा टॉपिक नहीं था बहरहाल मॉडरेशन ऑफ द यूजिंग पीचर एंड हेज लेकिन बहरहाल दिस इज हाउ दिस इज अनदर वे दैट वी कैन यूज। अच्छा इस वक्त जो अब आप जब जाओगे ना अपने प्रेजेंटेशन देने के लिए और थीसिस वैल्यूएशंस के अंदर आईआरएस वगैरह में वो आपसे खास तौर पे पूछेंगे कि आपने मॉडरेशन के लिए कौन सी टेक्निक इस्तेमाल की है
आप वहां पे बताएंगे कि मैंने बैरन अनकैनी इस्तेमाल किया है या पिचन एंड हेज इस्तेमाल किया। और आप जब कहोगे कि मैंने पिचन एंड हेज इस्तेमाल किया तो वो सवाल पूछेंगे आपने बैरन अनकैनी क्यों नहीं किया। जब आप कहेंगे मैंने बैरन अनकैनी यूज किया तो वो पूछेंगे आपने पिचन एंड हेज क्यों नहीं किया। तो इसकी दोनों की यूजेस की जस्टिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, देयर इज अनदर वे ऑल्सो जिसको हम पाथ एनालिसिस कहते हैं जो कि एमॉस में होती है। बहरहाल इस वक्त वो पहले हम ये सब चीजें कवर कर लें, फिर उसको जिनको शौक होगा फिर हम उनके साथ एमॉस भी डिस्कस कर लेंगे। तो वसीम, आई थिंक यू आस्क दिस क्वेश्चन, सो दिस इज द आंसर टू योर क्वेश्चन। कि इसमें हमारे पास ये नईम ने पूछा, वसीम ने पूछा था। तो दिस इज अ मोर टेक्निक्स दैट वी हैव टू इवैल्यूएट कि हमारे पास इसमें मॉडरेशन के अंदर और क्या क्या टेक्निक्स हैं। तो दीज आर द टेक्निक्स दैट आर देयर। इसी तरह मीडिएशन में भी पिचन एंड हेस बहुत बेहतर परफॉर्म करता है। सबसे आसान ये है कि बहुत आसान है ये। डू वी हैव मोर क्वेश्चंस? सो दैट इट सीम्स दैट कि देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। अच्छा, अब मेरे एंड के ऊपर एक चीज रह गई है और वो ये है, चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा सॉरी, चैट बॉक्स से नीचे करना पड़ेगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ टेक्निक्स एंड व्हिच वन इज बेटर? अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन बोथ। इसकी एल्गोरिथम्स जो बैकएंड के ऊपर चल रहे हैं वो मेन डिफरेंस है, नंबर वन। दूसरा जो सवाल था कि व्हिच वन इज बेटर, मॉडरेशन के लिए बैरन एंड कैनी बेहतर है और मीडिएशन के लिए पिचन एंड हेज बेहतर है। लेकिन मैं आपको बिल फिर बता रहा हूँ कि जब आप IRS करोगे आपके जो सुपरवाइजर होंगे वो आपको गाइड करेंगे कि आपने कौन सा मेथड, कौन सी मेथड, कौन सा मेथड लेकर चलना है, पिचर एंड हेज का या बैरन एंड कैनी का या एमॉस के अंदर जो पाथ एनालिसिस की टेक्निक्स हैं वो वाला। ही और शी विल गाइड यू। सो अगर आप मुझसे एज अ टीचर मुझसे पूछो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैरन एंड कैनी is better for moderation and pitcher and haze is better for mediation analysis. जी अच्छा, अब मेरे एंड पे ये रह गया कि मैंने एक तो वो लास्ट वाला लेक्चर जो है वो अपलोड करना है यूट्यूब पे एक, और ये वाला लेक्चर भी अपलोड करना है दो, और तीसरा ये कि आप लोग एक असाइनमेंट के लिए तैयार रहे बिकॉज वी आर नाउ गेटिंग आप लोगों के पास। आई एम सो सॉरी कि मेरा ईद से पहले भी संडे ज़ाया हो गया, क्लास नहीं हो सकी। ईद के बाद वाला संडे भी ज़ाया हो गया जिसपे क्लास नहीं हो सकी। सो अब मुझे कम से कम एक लेक्चर और चाहिए जिसमें मैं आपको आगे कुछ ना कुछ पढ़ा सकूं, ताकि ये जो हमारे एक आज आप समझ लो कि हमने मेन कोर्स पर कवर कर लिए, लेकिन चैप्टर जो 5 है जिसमें डिस्कशन है, चैप्टर 5 कौन सा होता है मुझे दिखाता चलूँ आपको। चैप्टर 5 जो डिस्कशन, जो हमारे पास डिस्कशन है, एनालिसिस वाला पार्ट है, ये वाला डिस्कशन, कंक्लूजन, लिमिटेशन एंड रिकमेंडेशन, ये हम लोगों ने करना है। आज हम चैप्टर 4 काफी हद तक हमने कवर कर लिया है। इसमें डिस्क्रिप्टिव्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव है, नॉर्मैलिटी एनालिसिस है, रिलायबिलिटी एनालिसिस है, वैलिडिटी अभी हमारा वो नहीं है, CFA भी हमारा नहीं है, पाथ एनालिसिस हमने नहीं किया, हम पिचर एंड हेज और उसमें मॉडरेशन मीडिएशन ये हम लोगों ने कर लिया। तो हम चैप्टर 4 कर चुके हैं। चैप्टर 5 के लिए मुझे अब एक आप लोगों का लेक्चर रखना है ताकि हम उसको भी कंप्लीट करके एक दफा इस चीज को, और रिमेनिंग जो मीडिएशन है वो कर लें और ये वाला काम भी चैप्टर 5 भी कंप्लीट कर लें। तो उससे पहले पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि एक आप लोग असाइनमेंट के लिए तैयार रहें ताकि हम जो अपनी रिक्वायरमेंट है वो उसको अच्छी तरह कंप्लीट कर लें। और उसकी मुझे लालच ये है कि आप जब ये कोर्स कंप्लीट करें तो आपका IRS 1 जो है ना वो कंप्लीट हुआ हो। सिर्फ आपने जाके डाटा कलेक्ट करके, डाटा डाल के चैप्टर 4 और 5 रिफ्रेश करना हो, बाकी 1, 2, 3 आपका रेडी हो। सो विद दिस आई एम स्टॉपिंग हियर। आप लोगों को कोई सवाल है, कोई फीडबैक है तो बता। सर अगर नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीक पेपर हुआ QTR का, तो काइंडली जो है वो असाइनमेंट फिर डिले कर लें, बिकॉज बिल्कुल जी असाइनमेंट, और बिल्कुल आप लोगों के साथ साथ जैसे आप लोग कह रहे हो कि भाई अगर 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 नेक्स्ट कमिंग वीकेंड पे किसी का भी पेपर हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप अपनी असाइनमेंट डिले कर लेना, कोई मसला नहीं।
ठीक है, दैट इज हम बिल्कुल आई अंडरस्टैंड कि दिस दीज आर स्पेशल सर्कमस्टांसेस जिसके हम वी आर गोइंग थ्रू, तो बिल्कुल स्पेशल परमिशन आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। और जहाँ तक क्लास का ताल्लुक है, अगर आप लोग मुनासिब समझो तो किसी भी दिन, जरूरी नहीं है कि हम संडे का ही इंतज़ार करें, बिकॉज आई जस्ट नीड वन मोर क्लास, आप किसी भी दिन इवनिंग पे प्लान कर लो एक्सेप्ट फॉर वेंसडे जब मेरी एक और ऑलरेडी क्लास होती है, आप कोई भी प्लान कर लो तो मुझे, हम लोग उस पर इकट्ठे हो जाएंगे और क्लास ले लेंगे। सर फ्राइडे सैटरडे और संडे के अलावा बेहतर है, क्योंकि अगर कोई पेपर होता है तो जाहिर है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, तो नहीं, अच्छा पहले हो जाए तो अच्छा। लेकिन सर उसमें ये है ना, लेकिन उसमें ये भी है ना, वीकेंड में फायदा या ये समझ लो कि जो सा भी पेपर होना होगा वो तो हो चुका होगा हमारी क्लास से पहले, क्योंकि हमारी तो संडे को आखिरी क्लास होती है। लेकिन भारत अब इट विल बी अप टू यू, मैं आपके सी आर से इसको करके डिस्कस करके फिर देखते हैं कि इस पर क्या फैसला किया गया। Anyway, now we have more questions to पूछे। Sir, regarding paper pattern, ये कितने का होगा सर? जिस तरह मिड टर्म में आपके क्विज था या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था, मल्टीपल एक्सपेक्ट करेंगे? अच्छा, उसमें ना अभी एक तो ये है कि वो असेसमेंट होंगी। असेसमेंट का मतलब ये है कि आपको टेक होम पेपर टेक होम टाइप कोई सिनेरियो नहीं होगा, बल्कि आपको चार घंटे दिए जाएंगे उसी वक्त करना होगा। तो पॉसिबली ऐसे ही होगा उस्मान के सवाल होंगे और उसका आपने जवाब देना होगा टाइप वगैरह करके, अगर एस बी एस एस के जरिए होगा तो उसका एनालिसिस करके आपने देना होगा। वो जो पेपर पैटर्न है ना वो मैं आपसे शेयर कर लूंगा इन एडवांस। थैंक यू सर। चले ओके जी, अगर कोई और सवाल नहीं है तो वी कैन कॉल इट अ डे। सर ये आरएम के पेपर की कोई एक्सपेक्टेड डेट आपको कोई भी पता चली है या फिलहाल नहीं है? फिलहाल मुझे नहीं पता चली, बिकॉज अभी डेट शीट आई ही नहीं है। मुझे ये पता चला है कि मेल करके पूछी थी, वो कह रहे हैं होंगे पेपर्स। सॉरी कम अगेन, क्या कह रहे हैं आपको? ये जो पूरा वीक जो आने वाला वीक है ना, इस पे ये लोग कह रहे हैं कि हम कोई क्लास वगैरह नहीं रखेंगे, स्टूडेंट्स जो है वो प्रेपरेशन वगैरह करेंगे। सो आई एम वेरी होपफुल कि कमिंग वीकेंड का आपका कोई ना क्लास होगी ना क्विज होगी, ना क्लास होगा ना मिड फाइनल होगा, एक्सेप्ट फॉर दिस वन जिसमें मैं खास तौर पे आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग आइएगा, बिकॉज आई हैव मिस्ड टू संडेज, एक ईद से पहले वाला संडे और एक ईद के बाद वाला संडे, जिसकी वजह से मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हो पा रहा। राइट सर। चले जी, और कोई सवाल है तो पूछ लें। सर एक चीज पूछनी थी। जी बोले। मैं थोड़ा सा लेट आया था तो सर प्रोजेक्ट के बारे में सर वो रहता था उसका कुछ है कोई एक्सपेक्टेड कब सीएफसी को आप असाइनमेंट कह रहे हैं? नहीं प्रोजेक्ट देखें अब होगा ये कि ये जो हमने सारा जो काम किया है ना डिफरेंट असाइनमेंट्स की फॉर्म में, मैंने आपको का चैप्टर 3 कंप्लीट करे, मैंने आपको का लिटरेचर रिव्यू, फिर मैंने आपको और मॉडल्स वगैरह बनवाए, रिसर्च क्वेश्चन प्रॉब्लम्स बनवाए, वो सारे के सारे आपने कंपाइल करके ना एक बुक की एक रिपोर्ट की फॉर्म में आपने वो जमा करवाना होगा और उसकी प्रेजेंटेशन देनी होगी, तो वो आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है सर। सर काफी सारी असाइनमेंट है, अभी प्रेजेंटेशन भी देनी है सर हमने। हाँ एक प्रेजेंटेशन देनी है, बिकॉज दो स्टूडेंट्स हैं ना उसमें।